नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की गोली, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूंग की दाल की गोली बनाने के लिए हमने 2 कप हरी मूंग की दाल लिया है। इसको हमने 3 घंटे पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसमें 2-3 बार साफ पानी से धो के छिलके को अलग कर लिया। अब इसको हम मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। सबसे पहले हम मूंग की दाल को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। दाल को हम 2 बार में पीसेंगे क्योंकि दाल ज़्यादा है, इसलिए 1 बार पीसने में हम 1/4 का पानी इसमें हम डालेंगे। अगर बहुत पानी डाल देंगे तो दाल पीस नहीं पाएगी। दो कप दाल को पीसने के लिए हमने 1 कप पानी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, इस पे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज, इसको हम लाइट ब्राउन भून लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और इसमें हम ये मूंग की दाल डाल दिए। इसमें हमने ये 1/2 कप पानी और डाल के इसको हमने मिला घोल लिया। इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हलवे की तरह इसका पेस्ट हम बना लेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। बराबर चलाते हुए भूनेंगे, जितने नीचे लगने लगेगा। इसमें आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे जिससे कि दाल अच्छी तरह से भुन जाए। बराबर चलाते हुए भूनना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। हमने यहाँ पे दाल को 7 से 8 मिनट तक भूना है। दाल अच्छे से भुन गई है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको एकदम बड़े बर्तन में पलट लेते हैं। दाल थोड़ी ठंडी हो गई है, अब इसकी हम गोली बनाते हैं। हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेके इस तरह से गोली बना बना के रख लेंगे। इस तरह करते हुए हम सारी गोलियां बना लेंगे। पेस्ट को हम बहुत ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो गोलियां बन नहीं पाएंगी।
अब हम गोलियों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हम बचे हुए ऑयल को उसमें डाल देंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को भी हम हाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट को हमने 2 मिनट भून लिया। अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे मसालों को भूनने के लिए। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल ना छूटने लगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मसालों से ऑयल छूटने लगा है, इससे मतलब मसाला भून गया है। इसमें हम डाल देंगे गोलियों को। अगर आप गोलियों को बिना मसाले के खाना चाहते हैं तो इसे आप केवल प्याज में हल्का सा फ्राई करके ऊपर से नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के फ्राई कर सकते हैं। हल्के हाथों से चलाएंगे। थोड़ी थोड़ी गोलियां डाल के मसालों में इन्हें मिक्स करते जाएंगे। गोलियों को हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। आधा चम्मच ऑयल हम ऊपर से और डाल देते हैं। पांच मिनट के लिए से हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। पांच मिनट हो गए हैं और गोलियां भी अच्छे से भून गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला और धनिया की पत्ती। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मूंग की गोली बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और गोलियों को सर्विंग बाउल में परोस लेते हैं।